कर्नाटक की सरकार ने, उसको क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे हैं और वो सार्वजनिक करें और उसको वह कार्य करें। अपनी जहां सरकार है वहां का रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं और पूरे देश की बात। 50 के पहले का जो नियम है और सुप्रीम कोर्ट ने जो स्ट्राइक किया, तो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से बिहार सरकार अच्छे से स्टडी करा रही है और हम सही समय पर सही निष्कर्ष पर पहुँचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन, मैं हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। पूरे देश में जातीय सर्वे को लेकर सियासत खूब हो रही है। एक तरफ जहां राहुल गांधी संसद में इसकी मांग करते हैं, तो इसको लेकर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी जिन राज्यों में सरकार में हैं, कर्नाटक में उस सरकार में हैं, जातीय सर्वे कराया था, उसका रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक किए हैं। जहाँ उनकी सरकार है वहाँ वो सर्वे कराकर रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करते हैं और देश में वो जातीय सर्वे की बात कर रहे हैं। वहीं संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर भी हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव एक तरफ संविधान बचाने की दुहाई देते हैं तो दूसरी तरफ संविधान से छेड़छाड़ करने की भी बात करते हैं। क्या कुछ कहना है बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के। राहुल गांधी जी के बारे में जितनी टिप्पणियां चल रही हैं सबको एक ही साथ ले लो भाई, चलो। कर्नाटक में राहुल गांधी जी की सरकार है और कर्नाटक ने जातीय सर्वेक्षण कराया है। मैं आज तक यह समझने में अक्षम हूँ कि बिहार में जिस तरह से हम लोगों ने जो जातीय सर्वेक्षण कराया उसकी सारी रिपोर्ट्स पटल पर रख दिया और उस हिसाब से आगे की भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार है, राहुल गांधी को बताना चाहिए कि किन परिस्थितियों में कर्नाटक में वह जातीय सर्वेक्षण जो उन्होंने करवाया था सिद्धरमैया की सरकार ने, उसको क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे हैं और वह सार्वजनिक करें और उसको वह कार्य करें। अपनी जहां सरकार है वहां का रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं और पूरे देश की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव 65% आरक्षण पर अध्यादेश लाने की हमसे मांग करते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें जो होती है वो संविधान संशोधन की चीज़ होती है। लगातार 1950 से पहले तमिलनाडु में पहले से 70% आरक्षण था। जब संविधान बना तो उस समय संविधान से पहले से तमिलनाडु में आरक्षण था, वह शामिल हुआ। उसके बाद लगातार सुप्रीम कोर्ट ने जब भी यह बढ़ा है आरक्षण की सीमा, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक किया है। सरकार अपने ढंग से इसको अच्छे से देख रही है। दिक्कत क्या है कि खुद ही तेजस्वी यादव बोलते हैं कि संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। 1950 के पहले का जो नियम है और सुप्रीम कोर्ट ने जो स्ट्राइक किया, तो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से बिहार सरकार अच्छे से स्टडी करा रही है और हम सही समय पर सही निष्कर्ष पर पहुँचेंगे।